ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਜੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਈਡੀ ਦੀ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ अंदर शिरकत कर रहे हैं। सो सीधिया तस्वीर असं तुम्हें दिखा रहे हैं, देख सकते हो डेली पोस्ट से जो गल की जाए तो सीधिया तस्वीर देख सकते हो तुम अंदर तस्वीर ने राजा वड़िंग भारत भूषण आशू राजा वड़िंग चन्नी साहब न मिलन आए सी एज ए मिनिस्टर रहे मुख्यमंत्री साहब न उन्होंने कार्यकाल रहा उन्हों का धनवाद भी करना आए सी ते चन्नी साहब तो आशीर्वाद भी लैन आए सी साडे वड्डे भरा है ब्लैसिंग्स लैन आए सी सो यही काम सीगा होर तो कोई मैनू बड़ी खुशी है कि सरदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी प्रधान बने हैं आशू जी ये दोनों जोड़ी है जिहड़ी इहदे ते सानू बड़ा माण है और आने वाले समय से मेरिया इन्हों शुभकामनावान असी सारे जने नाल रल के इन्हों कांग्रेस नू फिर अगे लेके जावे बहुत ही जबरदस्त बंदिया नू बनाया गया है इन्हां अगे वधण की सोच है एक जज्बा है देश और कौम की सेवा करन दा पंजाबियों की सेवा करन दा और मैं पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस को अगे लेके जाए। खबर आ रही है कि ईडी वालों नोटिस होया मैनू नोटिस ही नहीं होया कल मैं बुलाया गया सी ते मैं ईडी के सामने पेश होकर अपने बयान दे दिते है ये एक चलान ऑलरेडी पेश हो चुकिया है तो जो मैनू पूछा गया मैं वो दस दिता मैटर सब जुडिशियस है फिर तो बुलाया जा सकता है बुलाया नहीं गया मैं दोबारे देखो आम आदमी पार्टी दी सरकार आई है लोग बदलाव चाहते सी उन्होंने अनुसार बदलाव आया है अजे शुरुआत हुई है जिमें जिमें अगे सरकार बधेगी उसे उस तरह इनू देखा जाएगा मैं उही कह रहा कि अजे तुसी 10-20 दिन च क्या कारगुजारी देखोगे उनू टाइम दिता जाना चाहिए ते उनू कम करन जो करांगे देखांगे लेकिन असी 3 रुपये जिहड़ा यूनिट माफ किया वो एक बहुत बड़ी गल सी जे वो वापस लिया जाता है तो हर बंदे नू पंजाब दे नू बहुत नुकसान होना है जे 300 यूनिट माफ़ भी कर देंगे 301 जद होना है तो वह सारे पैसे उन्होंने दुबारे पै जाने हैं ये नाल कोई फर्क नहीं पैना जे रेट बढ़ा दिते गए जे रेट यही रखे गए फिर हुण 200 यूनिट तो पहले ही 27 लाख परिवारों का माफ़ है पंजाब दे विच 27 लाख परिवार ऐसे है जिन्हों का 200 यूनिट पहला ही माफ है हूँ जे 300 यूनिट करके ये कह दिता गया कि जे 301 हो गए तो 300 भी खत्म है तो वो जे 200 यूनिट 27 लाख परिवारों मिल रहे उन्हों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाना उन्होंने भी जाते रहने हैं इस करके बहुत ही सोच समझ के फैसला लेने की लड़ है सरकार मैं लगता है कि अच्छा फैसला लेगी सो मैं समझदा कि हजे उरे ते कोई टिप्पा टिप्पणी करनी कोई जायज़ नहीं है हो सकता ईडी जायज़ जांच करे हो सकता किसी प्रभाव के थले करके कहे लेकिन जिन्ना चिकर कोई ऐसी गल सामने नहीं आती उरे ते कोई टिप्पा टिप्पणी करनी मैं लगता बेहतरीन नहीं होएगा। बड़ी साहब सिद्धू मूसे वाले नु लेके विवाद जड़ा खड़ा हो गया और कह रहे ने कि पंजाबियां नु लेके जड़ी शब्दावली तुहाडे बड़े करीबी ने गाने दे विच सिद्धू मूसे वाले किदा इस तरीके नाल हार नु बर्दाश्त नहीं कर रहे। देखो मैं वैसे सिद्धू मूसे वाले दे कोई ऐसी गल मैं मुंह तो सुनी नहीं है बट अगर मैनु लगदा जनता नु किसे नु गाना तो सारे ने सुनया नहीं मैं नहीं ये गाना सुनया बिल्कुल बिल्कुल मैं ये गाना नहीं सुनया बट ऐसी गल अगर कही गई होंगी तो कुछ ना कुछ पंजाबियों मैंने कोई ऐसा कोई रोस देखने भी नहीं मिलिया। हाँ हो सकता है कि मैं आ मीडिया थोड़े हाउसेस तो सुनता है जो तुम गल कहने हो कि सिद्धू मूसेवाले ने कुछ किया है
अदरवाइज कोई ऐसे शब्दावली दी जे वरतों बंदा करता है तो फिर जनता ही उठ खड़ी होंगी है ना खिलाफ। लेकिन सत्ता कह रही है कि पंजाबियों नू गद्दार तक कहता सिद्धू मूसे वाले। मैं उही कहना है कि सत्ता तेरी कह रही है जिन्हां नू कहा है उन्होंने तो मैनू हजे तक कितने कोई ऐसी नजर नहीं आया और मैनू नहीं लगता कि इस तरह की कोई गल उन्होंने कही है। हाँ जी जिस तरीके दे नाल शक्ति प्रदर्शन हुन पिछे भी देखे गए सी हार तो बाद भी क्या हुन चीज़ा बंद होंगी इकट्ठे होके एक स्टेज के ऊपर पूरी कांग्रेस दिखेगी। उम्मीद है जी साडा मोटिव यही है और मैनू लगता है कि असी सब नू कोशिश करांगे सारे सत्कारयोग कांग्रेस दे आगू साहबाना नू उन्हां दा मार्गदर्शन लैके उन्हां तों सलाह मशवरा लैके उन्हां नू इकट्ठे लैके जाइए। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਆਪਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲੈਣ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੋ ਚੰਨੀ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।